आखिर क्यों बार बार राजस्थान के दौरे पर आ रही हैं पीयूष गोयल? क्या नया चेहरा लाने से दूर हो सकती है बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी? क्या चुनाव के लिए बीजेपी अपना रही कोई नई रणनीति? ये सवाल इस वक्त राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और चर्चा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीते 15 दिन में ही 3 बार राजस्थान आ चुके हैं। पीयूष गोयल 11 जून को अलवर में, 19 जून के बाद अब 25 जून को उन्होंने जयपुर में मीटिंग की है। पीयूष गोयल को इस समय केंद्र का सबसे खास माना जा रहा है और उनकी बार बार राजस्थान में उपस्थिति लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर क्यों पीयूष गोयल के राजस्थान दौरे बढ़ गए हैं। जानकारों की माने तो राजस्थान में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से पहले पीयूष गोयल यहां की सच्चाई से रूबरू होना चाह रहे हैं, यहां की रिपोर्ट को आगे फीडबैक के रूप में बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में चुनाव को लेकर बीजेपी आलाकमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पीयूष गोयल ने अब तक के दौरों से कई अहम बातों को समझा है, इसलिए उनके दौरों से यहाँ की बीजेपी में भी खलबली मची हुई है। हर कोई इस बात से परेशान है कि आखिर इस दौरे से कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, इसलिए कोई कमी ना हो सके, लिहाजा सभी एकजुटता के साथ देखे जा रहे हैं। मगर इसके सियासी मायने कई हैं। पिछले दिनों जब पीएम की अजमेर में सभा हुई, उसके बाद से पीयूष गोयल को यहाँ पर मजबूती के साथ लगा दिया गया है। सिर्फ पीयूष गोयल के लगातार दौरे हो रहे हैं। 11 जून को पीयूष अलवर आए, वहाँ भी वो व्यापारी वर्ग से रूबरू हुए। इसके बाद 19 जून को जब पीयूष आए तो उस दिन उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला। कहा जा रहा है कि उस दिन उन्हें बेहतर फीडबैक नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्हें दोबारा एक और बड़ा कार्यक्रम करना पड़ा। 25 जून को उनका दोबारा से जयपुर में दौरा करवाया गया। इस दौरान उन्होंने टिफिन का खाना साथ में खाया तो उन्होंने कई बातों को समझा। पार्टी की पकड़ व्यापारियों पर कितनी है, कहीं ढीली तो नहीं पड़ गई? अब इस बैठक के साथ इनका फीडबैक जैसा होगा उसी पर केंद्रीय नेतृत्व काम करेगी। अब चुनावी साल है तो हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। अब इन रणनीतियों का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल सकेगा। बाकी आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।